हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो G54 फ़ोन है, तो मोटो G54 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में नेटवर्क एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम है, तो नेटवर्क एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं मोटो G54 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि नेटवर्क एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं मोटो G54 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं हमारे फ़ोन में कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं। तो आपको स्वाइप करना है और स्वाइप करते ही वाले आइकन्स भी हमारे फ़ोन में इस तरीके से ओपन हो जाएंगे। फिर आपको इसमें से जाना होगा सेटिंग्स आइकन पे, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स हमारे फ़ोन में ओपन हो जाएगी। तो इसमें आप कैसे अपने फ़ोन में नेटवर्क इंटरनेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो सिंपली आपकी फ़ोन की सेटिंग्स से शो हो रही है, तो आपको स्लाइड करना और स्लाइड करते रीसेट ऑप्शंस पे चले जाना है। क्लिक करते रीसेट ऑप्शन सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। फिर आपके पास ऑप्शन आ रहा है रीसेट ऑप्शंस, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो रीसेट ऑप्शंस हमारे फ़ोन में इस तरीके से ओपन हो जाएगा, जिस पे जाकर आप नेटवर्क एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपको रीसेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते सेटिंग्स इस तरीके से ओपन हो जाएगी। तो आप रीसेट करना चाहते हैं नेटवर्क इंटरनेट की सेटिंग्स को, तो यहाँ से कर सकते हैं। सिंपली इस पर टैप करना है। टैप करते ही आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, तो इस पर क्लिक करते ही जो भी ऑल सेटिंग्स है आप उसको रीसेट कर सकते हैं। जैसे गलत ऑप्शन ओपन हो गया हमारे फोन में शायद, तो आपको इस पर जाना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको पासवर्ड डाल देना है। तो यहाँ से नेटवर्क इंटरनेट की सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आप यहाँ से रीसेट करके नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग्स को रीसेट करके नेटवर्क इंटरनेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं मोटो G54 फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।